अरे तू ए मैदान में कौन बोला है गाय लेके हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो में सभी दोस्तों को स्वागत है। गाइज, सो आज कल बिजी था बाहर चले गए थे इमरजेंसी से, सो ना बना पाए ब्लॉग। तो आज इसी आए थे, फुआ घर आए थे इधर सरलाही सुकनहा में, तो इधर रास्ते से घर पर जा रहे थे तो सोचा सागरनाथ मंदिर पड़ता है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ का ब्लॉग आप लोग को बीच देखते हो। सागरनाथ मंदिर, सरलाही का सागरनाथ मंदिर, ये बाल बैल माँ से थोड़ा प्रूव है। तो हम लोग यहाँ पे जो है एक तीन साल पहले मेरा छठ का गाँव सॉन्ग शूटिंग हुआ थी मंदिर के पास में पोखरी में, और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग सागरनाथ मंदिर है। अच्छा है, शांति है, रुख बिरुआ है, मतलब गाछ वृक्ष है, अच्छा है, शांति जगह खोजने बैठने वाला, और यहाँ पे पूजा पाठ भी होता है। मंदिर है, बहुत पुराना धार्मिक मंदिर है। तो देखिए यही एक गेट है, पूर्व तरफ का गेट है, पूर्व से मंदिर में आता है, सो गेट है, सो मंदिर में जाता है। यहाँ से चलेंगे बैलबांस, थोड़ा एक दोस्त का डांस स्टूडियो है वहाँ पे मिलेंगे, तो चलिए आप लोग को दिखलाएंगे। यहीं पे हम लोग शूटिंग किए थे। सो गाइस चलते हैं, आप लोग को आगे बैलबांस में जाते तो फिर मिलते हैं गाइस। सोचिए घूमते जाए, थोड़ा घूमते इसके बाद चलेंगे। सो बने रहिए ब्लॉग में गाइस। हम लोग मंदिर के भीतर है, मंदिर के पास है गाइस। देखिए यहाँ पे मंदिर है, पुजारी से पूजा कर रहा है। सो अच्छा दृश्य, यहाँ पे मन शांति से बैठने में शांति जगह है। सो ये सागरनाथ मंदिर सरलाही जिला का, शूटिंग वूटिंग करने वाला, वीडियो बनाने वाला अच्छा जगह है। उधर साइड में पोखरी था और यहाँ पे गाछी था। ओके गाइस, स्टैंड मेरा टूट गया है ना, तो वीडियो बनाते यहाँ पे, कोई मोबाइल पकड़ने वाला नहीं, देखो देखो दुख डांस वीडियो बनाते गाइस। सो कोई बात नहीं, चलिए। हेलो गाइस, तो देखिए हम लोग अभी आ गए बैलबांस वीडियो बैलबांस डांस स्टूडियो में। ये वर्कर नया खुला है, आप लोग देख सकते हैं बैलबांस डांस एकेडमी। तो हमारे एक प्रोफाइलर है इनका रमेश जी, और इनका संपर्क नहीं हुआ, आप लोग संपर्क कर सकते हैं बैलबांस में अगर डांस सीखना चाहते हैं। और डांस के साथ साथ में जुम्बा क्लास होता है अपना फिटनेस के लिए, मोटापा घटाने के लिए, और बच्चा से लेके हम लोग स्कूल के बच्चों के डांस सब लोग सीख सकते हैं अपना शरीर के लिए भी। और साथ में यहाँ पे रमेश जी का एक साइड है, म्यूजिक स्टूडियो भी है। आप लोग म्यूजिक बनाना चाहते हो और अपना वीडियो भी बनाना चाहते हो तो अपना और आ सकते हो, तो संपर्क कर सकते हो दोस्तों। तो खास ये है, और यहाँ पे दोस्त से मिलाने जा रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है कि हम लोग जो जेंट्स है मात्र डांस सीख सकते हैं, यहाँ पर लेडीज भी आ सकते हैं, माता बहन सबको लेके एकदम सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग आ सकते हैं, अपना टाइम मिला कर डांस सीख सकते हैं, अपना क्लास ले सकते हैं। तो अभी आप लोग देखिए, हमारे एक दोस्त है लेडीज दोस्त है, आप लोग से मिलते हैं। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते। तो चलिए दोस्तों, आज इधर आ जाइए, हमारे यहाँ पर क्या होता है हमारे क्षेत्र में, एरिया में जो खास करके जो पेरेंट्स है, परिवार फैमिली गार्जियन को सुविधा नहीं देता है लेडीज सब पढ़ाई सीखे सब कुछ फायदा रहे कुछ, लेकिन आदमी को अभी के जमाने में बहुत लोगों को कुछ करने की इच्छा होती है, इंटरेस्ट होता है डांस में, कलाकारी लाइफ स्टाइल को कुछ करें, उनके लिए क्या करना चाहिए, लेडीज के लिए डांस सुविधा सीखना क्या है, जैसे आपको इच्छा होगा और किस दोस्त को होगा क्या करना चाहिए, कुछ बताइए हमारे दोस्तों के साथ। जितना भी लेडीज है यहाँ को आस पास के सबको आकर के यहाँ डांस सीखिए। यहाँ पर सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक कोई डांस सिखाते हैं, और शाम को भी 5 बजे से लेकर 8 बजे तक सिखाते हैं। जितना भी यहाँ पर के माय बहन है इस नजदीक का, सभी आकर के इस डांस क्लास पर आगे बढ़ाइए, डांस क्लास में सीखिए, आपका बॉडी भी एकदम बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, डेली प्रैक्टिस कीजिए आकर के। हम इतना ही कहना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देखिए बहुत अच्छा जवाब दिया है, आप लोग अपना टाइम मिला सकते हैं, ये डांस आप लोग के लिए खुला है, तो इसको भी सपोर्ट कीजिए। आप लोग के लिए खुला है, इनको भी इज्जत दीजिए कि किसी आदमी बहुत मेहनत से इस क्षेत्र में नहीं था डांस क्लास, तो डांसर लवर के लिए, डांस लवर के लिए सुविधा हो गया है आप लोग को, तो आइए और
बोला सुबह भी टाइम है शाम को भी टाइम है। डांस खास करके सुबह शाम अच्छा होता है, दिन में अपना काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपना काम करके भी सुबह शाम हम लोग टाइम मिलेगा अपना डांस सीख सकते हैं। तो जरूर रहेगा, आप लोग से यही विनती है अगर सपोर्ट कीजिए हमारे रमेश जी को, आप लोग के लिए खोला है तो उनको भी साथ दीजिए। अगर आप जिस प्रकार के सीख सकते हैं अपना अगर पर्सनल सीखे, पर्सनल डांस भी ले सकते हैं, कोई कोर्स भी ले सकते हैं, साथ में अपना ग्रुप में भी ले सकते हैं, स्कूल में भी, स्कूल के लिए भी अगर सीखना चाहते हैं या टीचर उपलब्ध है स्कूल के लिए भी सिखा सकता है। सो चलिए आप लोग आइए, ऑल द बेस्ट ऑल फ्रेंड, थैंक यू सो मच। ले भयो पाँच सो हेलो बैक गाइज, हम लोग अभी झूलूंगे पुल पर, देख सकते हैं आप लोग। सो अभी आए हैं। सो गाइज आ गए झूलूंगे पुल पर अपने नदी के, यहाँ के पास, यहाँ पर एक गाना भी मैं बनाया था, पटना से चला था तबैया वाला, देख सकते हैं आप लोग। सो आप लोग अभी नदी में हैं, हम लोग यहाँ पे झूलूंगे पुल, मस्त झूलूंगे पुल पटना के जैसे, देख सकते हैं। देखिए ना करते गाइस, देखिए झूलूंगे पुल है, ये आप लोग देख सकते हैं। बरात बा गाइस, झूलूंगे पुल, यहाँ पे एक वीडियो बनाया था आप लोगों को, डांस वीडियो था हमें। सो पटना से चला था दवाइया, इधर बलवा से आए थे, इधर रनिया होते, अभी यहाँ से पार करेंगे, गंगापुर जाएंगे और गंगापुर से घर पे जाएंगे। सो चलिए चलते हैं, काफ़ी घर से निकले हैं, काले का निकले, घर पे जाएंगे। सो आई एम सो टायर्ड, टिकटॉक लाइव भी दो दिन से नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों गाइज, उधर से एक बाइक आ रहा था, एक पुल ऐसा है, इधर से बाइक जाओ तो उधर से नहीं जा सकते ना, एक ही बाइक जा सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं नदी में काफ़ी, गाइस तो अपना बसंती लेके इसी पे बाइक पे बैठे हैं, झूलूंगे पुल पर। देखिए पानी, नदी में पानी था इसीलिए झूलूंगे पुल पर। अभी उधर से ऐसा पुल दिक्कत हो रहा है, एक ही बाइक का रास्ता है कि उधर से आ जाएगा तो बहुत दिक्कत होता है, हॉरर मार करना पड़ता है। अच्छा हमारे नदी है, यही नदी हमारे गाँव के पास था, हम लोग इसी नदी में ब्लॉग बनाए थे, उधर साइड में हमारे खेत में गाड़ी पड़ता है, खासी डैमेज हो गया है पुल का, कोई गारंटी नहीं कब टूट जाए, बहुत सावधानी। सो ओके गाइस चलते हैं घर पे, जाते हैं उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। ओके okay?